अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। नेटो कॉन्फ्रेंस में भी ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान का मुतालबा नजरअंदाज। अमरीकी जासूस तैयारे का मीरान शाह में फिर हमला, 4 अफराद हलाक। अमरीकी सेनेट कमेटी ने आइंदा साल के लिए पाकिस्तान की इमदाद में कटौती का बिल मंजूर कर लिया। शहर कायद में फिर कत्ल गारत, फायरिंग और पुरतशद्दुद वाकयात में 13 अफराद जां बहक। दुनिया न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन समेत 65 जख्मी। मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन, 10 अफराद गिरफ्तार। एंटी एयरक्राफ्ट गनों समेत भारी तादाद में असलहा बरामद। नवाबशाह में भी हालात कशीदा, नामालूम अफराद ने कौमी शाहराह पर ट्रॉलर को आग लगा दी, ड्राइवर झुलस कर जां बहक। सिंध मोहब्बत रैली पर फायरिंग, नवाज लीग ने अवामी तहरीक के यौम सोग और हड़ताल की हिमायत कर दी। सिंध भर में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। और डोली बिंद्रा भारत वापस लौट गई, कहती हैं वीना मलिक को भारत से निकालने का फैसला बाल ठाकुरे करेंगे। दुनिया न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunianews.tv।